दर्शकों, मारवाड़ी युवा मंच द्वारा एक अनोखा पहल किया गया है और ये पहल जो है भारत भूटान सीमांत जयगांव में पहाड़ियों के फुटहिल्स में किया जा रहा है। आपको पता होगा डानागांव क्षेत्र में काफी बार लैंडस्लाइड के वजह से बाढ़ जैसा स्थिति पैदा होता रहा है और उसका मुख्य कारण है यही पहाड़ियों से मिट्टी कट के जाना, और इसके बचाव के लिए आज मारवाड़ी युवा मंच आगे आई है और साथ साथ में आज एक काफी महत्वपूर्ण दिन है, 2 जून है। आज के दिन में भूटान के लिए काफी अहम रखता है। आज का दिन वो दिन है जिस दिन भूटान के 4th किंग का क्राउनेशन हुआ था, और साथ साथ में आपको बता दें कि भूटान जो है 2 जून को सोशल फॉरेस्ट्री डे के रूप में भी मनाती है, और हालांकि 5 जून को एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन का कार्य किया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है भारत के मारवाड़ी युवा मंच जयगांव शाखा द्वारा, और साथ साथ में आज काफी सारे गण्यमान्य यहाँ पे लोगों की मौजूदगी देखी गई। JDA चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा जी हम मौजूद थे, जयगांव के थाना प्रभारी मौजूद थे, कस्टम विभाग के आला अधिकारी के साथ साथ में SSB के जवान्स को भी यहाँ पे देखा गया, और साथ साथ में भूटान के भी काफी सारे ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद थे, SDO साहब मौजूद थे, और भी काफी सारे यहाँ पे ऑफिशियल्स यहाँ पे पहुंचे थे। और साथ साथ में आपको बता दें कि ये जो कार्य हो रहा है कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण कार्य है जो नेचर को, जो इन्वायरमेंट को संरक्षण करने के लिए। आप देख सकते हैं प्रकृति को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये जो तबाही का मंजर आप हमेशा देखते हैं वो ऐसा ही दिखता रहेगा, और इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, प्लांटेशन कीजिए। और आज ये कार्य हो रहा है, हम लोग और भी दृश्य साझा करेंगे यहाँ पे किस तरह से प्लांटेशन का कार्य हुआ, हम लोग कुछ लोगों से भी बात करेंगे, पदाधिकारी लोगों से भी बात करेंगे, और जो मारवाड़ी युवा मंच के जो ऑफिशियल्स हैं, मेंबर्स हैं, उनसे भी बातें करेंगे। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ये जो कार्य है इस तरह का कार्य निरंतर होना चाहिए, हर एक संस्था आगे आए, प्रशासन आगे आए, अधिकारीगण आगे आए, और अगर हर एक इंसान अगर एक पेड़ एक पौधा अगर इसी तरह से रोपता है तो प्रकृति में काफी बदलाव आ सकता है। आज आप देख रहे होंगे कि काफी दिनों से जयगांव में भारी गर्मी का मौसम देखा जा रहा है, केवल जयगांव में ही नहीं फुलचिलिंग में भी, इधर आसपास और डुअर्स क्षेत्र में भी। ये प्रकृति में ये मौसम का बदलाव क्यों आ रहा है ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये प्रकृति का देन नहीं, ये हम मनुष्यों का ही देन है जिसके वजह से आज इतना गर्मी हो रहा है, आज मौसम में इतना असंतुलन हुआ है, जो बैलेंस था वो आज नहीं रहा है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी पहाड़ों के किनारे इस समय हम लोग डानागांव क्षेत्र में है जयगांव के, और यहाँ पे कार्य चल रहा है, बचाव का कार्य एक तरफ चल रहा है, आप देख सकते हैं चेक डैम बनाया जा रहा है, यहाँ पे जाली बांध बनाया जा रहा है ताकि मिट्टी कट के नीचे ना जाए, और साथ साथ में प्लांटेशन भी किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं भूटान के प्रशासन जो है अधिकारीगण है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का कार्य, इस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और अगर दोनों ही देशों के प्रशासन अधिकारीगण इसी तरह से तालमेल के साथ कार्य करे और जनता भी साथ दे, यहाँ के लोग और यहाँ के संस्थाएं भी आगे आए, तो ये जो शहर है, ये जो बॉर्डर है जयगांव फुलचिलिंग, और भी विकसित होगा और भी सुरक्षित होगा, और यही आशा के साथ इस समय मैं अलविदा लेना चाहूंगा। हम लोग चलते हैं, कुछ लोगों से बातें करेंगे और आप सभी के समक्ष जानकारी साझा करेंगे। दर्शकों, सर आज के कार्यक्रम के विषय में कुछ कहिए। देखिए, आज जयगांव में जो हमारे मारवाड़ी युवा मंच जयगांव शाखा की ओर से आगामी जो 5 तारीख विश्व पर्यावरण दिवस है, एवं आज जो भूटान का सोशल फॉरेस्ट डे है और 4th किंग का अपना कोरोनेशन डे भी है, तो इसी उपलक्ष्य में भारत भूटान ज्वाइंटली हम लोग इस सीमा के अंदर में और पर्यावरण संरक्षण संबंधन के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। उसी के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि भूटान और हमारे इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के हमारे कार्यकर्ता प्रशांत जी हमारे पास में हैं, मारवाड़ी युवा मंच के यहाँ के और अध्यक्ष हैं इस
शाखा के, तो इनके ही नेतृत्व में ये काम हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ छोटा सा प्रयोग हम लोगों ने किया है, ये आपको मालूम है यही पहाड़ जो है यहाँ से, और इन्हीं का ये मिट्टी निकल करके नीचे आपको जो जेडीए के बगल में जो गिर रहा है, तो सबसे पहला हम लोगों ने टारगेट किया है कि इसी को कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पर काम भी हो रहा है, भूटान की ओर से काम भी किया जा रहा है, और वृक्षारोपण का भी आज काम किया गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हम सब आज यहाँ हैं, भूटान के हमारे SDO साहब, खुंचलिंग के मेयर साहब से लेकर के भूटान के फॉरेस्ट के अधिकारीगण, भूटान के स्वयंसेवक, हमारे मारवाड़ी युवा मंच के बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर, और हमारे जयगांव थाना के OC, हमारे लैंड कस्टम के अधिकारी, हमारे SSP के अधिकारी, हम लोग सब मिल करके ये काम किए हैं। कोशिश करते हैं पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन के लिए, छोटा सा प्रयास हम लोग के द्वारा। सर, वी आर सीइंग अ प्लांटेशन प्रोग्राम बीन टेकन इनिशिएटिव एट द फुटहिल्स फुलचलिंग जयगांव। Tell us something about this. Okay, as we all know, today is 2nd June, and this day we normally celebrate it as a coronation day of our fourth king, Jigme Singye Wangchuk, and we also celebrate this day as a social forestry day, where we plant in a lot of plants throughout the nation. So this time we have chosen this site because, as we all know, this stretch has posed a serious threat to our people living in the foothills. So we hope with a little bit of plantation program here, we hope we could save a lot of lives and properties of the people living in the downstream. So that's the very reason why we have initiated, and we are very much grateful that the Jayagong Yuva, Marwari Yuva have been so supportive. They have come forward in helping us, and then the people working in the various agencies in India have particularly in and around Jayagong has come forward and supported our initiative. Thank you very much. Sir, looking at the scenario out here, it has been a tough challenge for both the country's agencies to safeguard this flood-like situation and the landslide. Do you think that this type of work should be done on quite regular basis? Yes. So this, we feel, is the only measures that we can do to cope up with the challenges posed by the nature. So the Bhutan government has invested quite a huge amount in the mitigation projects, like building the check dams and constructing walls. But this has never been a successful one in mitigating the problem. So we thought, why not initiate a separate program to implantation so that it can be a long-term solution. Thank you. Sir, your name and designation? I am Karma, SDO. Fulchili. Chukha. Yes. जैन जी, आज यहाँ पे प्लांटेशन का कार्यक्रम देखा जा रहा है, थोड़ा जानकारी दीजिए। आप सबको नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे 5 जून में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और मारवाड़ी मंच का हमेशा एक प्रयास रहा है कि वो समाज के लिए और मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहता है, तो उसी के तहत आज मैं बहुत बड़ा सुंदर एक कार्यक्रम लिया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में, जो हमारा भूटान जो नियरेस्ट कंट्री है उनके साथ में आज जो K4 जो थे उनका भी आज अपना कोरोनेशन डे था, और उसके साथ में उसी के उपलक्ष्य में उनके साथ में मिलके आज मारवाड़ी मंच के साथ में मिलके आज एक ये प्रोग्राम लिया गया है प्लांटेशन का। तो आप देख पा रहे हैं कि जयगांव एक बहुत सुंदर जगह है, और यहाँ पर जो पहाड़ से पूरा जयगांव एक अपना घिरा हुआ है, तो पहाड़ की मिट्टी जो बह रही है, और ये मिट्टी क्या अक्सर जयगांव के बस स्टैंड एरिया उसके अंदर प्रॉब्लम करती है, तो उसी के तहत आज भूटान के साथ मिलकर और जयगांव मारवाड़ी मंच पूरी टीम मिलकर आज प्लांटेशन डे का प्रोग्राम कर रही है। क्या लगता है जैन जी कि इस तरह का कार्यक्रम रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है इस देखिए इसका ये जो पहाड़ की जो मिट्टी है ना, इसका अगर हम लोग कितना भी बांध बनाए या कुछ बनाए उससे थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है ना वो सॉल्यूशन है ओनली प्लांटेशन। बिना प्लांटेशन के लिए, बिना प्लांटेशन के साथ आप नहीं कह सकते कि आप मतलब मिट्टी को रोक पाएंगे, क्योंकि जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वही जो है मिट्टी को पकड़ रखती है, तो अगर प्लांट हम लगाएंगे तो ही हम लोग सेव हो पाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू लिव आफ्टर डेथ देन यू टू प्लांट ट्रीज। अगर आप चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी जीवित रहें, तो एटलीस्ट आप एक प्लांट तो अपने जीवन में ज़रूर लगाइए, उसका देखभाल कीजिए। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जीवन में एक प्लांट जरूर लगाइए, इफ़ यू वांट टू लिव आफ्टर डेथ प्लांट ट्रीज। थैंक यू जी। आज के प्रोग्राम के बारे में जानकारी दीजिए। नमस्ते। नमस्कार।
आज का प्रोग्राम अपना इंडिया और भूटान दोनों का एक जॉइंट प्रोग्राम था, जिसमें कि फुंचलिंग के SDO मेयर, हमारे JDA चेयरमैन गंगा प्रसाद जी शर्मा, SSB के कमांडेंट, जयगांव के OC, कस्टम्स के सुपरिटेंडेंट एंड असिस्टेंट कमिश्नर सभी उपस्थित थे। और हमारा ये मेन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम था। अभी अपना 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसको नज़र में रखते हुए और भूटान का भी सोशल प्लांटेशन डे आज का है, तो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो लैंडस्लाइड हो रहा है हमारे जयगांव में, पूरा जो लैंडस्लाइड होके जो बस स्टैंड के सामने जो कीचड़ जम जा रहा है, तो उसके लिए हमने ये मेनली किया है। यहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन मेनली हमने किया है, उसके साथ अदर प्लांट्स भी थे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो लैंडस्लाइड एरिया है वो बचे प्लांटेशन से, और सबके लिए एक अच्छा विन विन पोजिशन रहे, भूटान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो ये हमारा प्रोग्राम था, हमने ऑलरेडी मोर देन 100 प्लांट्स यहाँ लगाए हैं, तो आशा करते हैं कि ये प्लांट सर्वाइव करेंगे। हम अराउंड 1 मंथ तक इसका टेक केयर भी करेंगे और प्लांट सर्वाइव करें, यही हमारा मोटो रहेगा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे ये आज कार्यक्रम आप लोगों ने, के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैसेज यही है कि एनवायरनमेंट के प्रति हमें थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। बहुत एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, गर्मी बहुत बढ़ रही है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन का भी बहुत प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, वाटर सेव करें और एनवायरनमेंट को बचाएं, यही हमारा एक मैसेज रहेगा। आपका नाम और परिचय? मैं प्रशांत अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच जयगांव शाखा प्रेसिडेंट।